कोरोना वायरस का कहर जारी है और देश के कुछ राज्यों में तेजी से नए मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब इंसान तो इंसान, जानवरों में भी इसके संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। और ऐसा ही कुछ एक अजब गजब सा मामला सामने आया। ये नायाब मामला बेंगलुरु से लगभग 127 किलोमीटर दूर तुमकुरु जिले के गोडकेरे गाँव का है। कर्नाटक में एक चरवाहे के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद उसकी 47 बकरियों को क्वारंटाइन किया गया। जिले के पशुपालन विभाग में एक अधिकारी ने बताया कि गौरलहट्टी तालुका में लगभग 300 घर हैं, यहाँ की आबादी लगभग 1000 है। यहाँ पर चरवाहे को मिलाकर 2 गांव वाले कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसी के साथ ही 4 बकरियों की संदिग्ध मौत के बाद गांव वाले दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ बकरियों को सांस लेने की समस्या है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के पशुपालन अधिकारी गांव पहुंचे और नमूने लिए। पशु चिकित्सा विशेषज्ञों को संदेह है कि जानवर PPR नामक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसे बकरी का प्लेग या माइकोप्लाज्मा संक्रमण के रूप में जाना जाता है। मंगलवार को जिला पशु अधिकारी गांव पहुंचे और बकरियों को गाँव के बाहर क्वारंटाइन करवाया। बकरियों के स्वैब की सैंपलिंग की गई। अधिकारी ने कहा कि पशुओं से एकत्र किए गए नमूनों को पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा संस्थान भोपाल में भेजा गया। मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि अभी पशुओं में कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। PPR भी संक्रामक बीमारी है, इसलिए संदिग्ध बकरियों व भेड़ों को क्वारंटाइन किया गया है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।